लास्ट फाउंडेशन में आपने सीखा था पॉलिनोमियल क्या होता है और किस कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, और उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा था। उसमें से कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, बताओ कौन कौन से हमें डाउट था। तीन क्वेश्चन दिए थे, समझाते हैं। कौन सा ये तीनों तो होमवर्क का था ना, ये वाला क्लास में करवाया था। ओके, तो इसमें आपका पहला जो है 9x का स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 2, दूसरा जो है आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 5, तीसरा है 7x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3। ये है क्वेश्चन। तो आपसे बोला गया भाई इसके जो है फैक्टर जीरोस निकालने हैं, तो एक एक करके करते हैं। पहले लेता हूं मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कहता है 9x का स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 2। अब इसका क्या करो, 9 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करना होता है, मिडिल टर्म में 18 हो जाएगा। अब इस 18 का फैक्टर बनाना है, 293 जितना सिंपल फैक्टर बना सकते हो बनाओ। अब इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पे सर 9 प्लस में 2 कॉमन लाने के बाद देखो यहाँ क्या बचा, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि 9x बाहर निकल गया 1 बचा, वो भी लिखना जरूरी है। फिर यहाँ क्या है 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x प्लस में 1। अब ये x प्लस में 1 और x प्लस में 1 क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। आपने गलती क्या किया था, यहाँ y लिख दिया था, कोई नया वेरिएबल अपने आप इंट्रोड्यूस नहीं करना है अपनी मर्जी से, जितना पूछा गया उतना ही करना है, जितना सिखाया गया उतना ही करना है, क्योंकि अभी आपका इनिशियल फेज है। अभी अगर कलाकारी दिखाने की कोशिश करोगे तो कलाकार नहीं बन पाओगे। सो दैट्स व्हाई स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, समझते जाओ, सीखते जाओ। अभी हमारा फैक्टर बना x प्लस में 1 और 9x प्लस में 2। अब इसको सेपरेटली जो है 0 के बराबर रख दो, x प्लस में 1 को जब 0 के बराबर रखोगे और 9x प्लस में 2 को जब 0 के बराबर रखोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1, और यहां से 9x इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 1 में 9। ये दोनों क्या हो गए आपके जीरोस हो गए, समझ पाए? यस सर। करो इस वाले क्वेश्चन को आप दोबारा। अब समझेंगे भाई, जो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, उसमें इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। पॉलिनोमियल को कब इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जब पॉलिनोमियल को किसी नंबर से इक्वेट कर देते हैं, चाहे जीरो से इक्वेट कर दो या किसी भी नंबर से इक्वेट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल की जगह पे इक्वेशन बन जाएगा। सो जैसे हमारे पास टू वेरिएबल पॉलिनोमियल होता था, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, ये क्या है, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो इक्वल टू जीरो लगा देंगे। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं, टू वेरिएबल इक्वेशन बोला जाएगा। अब मान लो ए और बी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, बोला भाई 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, ये दे दिया, और आपको बोला कि भाई इसमें इसका है ना सॉल्यूशन, इसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाओ। एक नंबर को कर लेंगे एज्यूम करेंगे, हाँ, दूसरे को फाइंड कर लेंगे। तो भाई इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बोला गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को हम एज्यूम कर लेते हैं, बाकी बात वैल्यू सॉल्व करके ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। 9th क्लास में सीखा था आपने, आता ये करना सर, कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूं। मान लिया लेट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 लिया तो क्या करेंगे, इसकी जगह 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि 2y इज इक्वल टू 6, यानी y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, यानी कि 3। तो भाई हमारे पास जो है x की वैल्यू हमने क्या माना 0, y की वैल्यू क्या मिला 3। अब जो है x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, x इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 मानेंगे तो x की जगह 1 पुट कर देंगे, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहने दो। तो यहां से क्या हो गया भाई, 3 बन गया 3 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, सो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस में 3, यानी कि 3। अब यहां पे जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके
डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गया 3/2, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3/2। सिमिलरली और भी वैल्यूज मान सकते हो, या तो 3/2 ना लिख के इसको और डिवाइड कर दे तो 1.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मान लो x की वैल्यू जो है ये ले लेते हैं 2, अगर x की वैल्यू 2 लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस में 2y = 6 यानी कि 9 प्लस में 2y = 6 यानी कि 2y = 6 माइनस में 9 यानी कि माइनस का 3। सो y = क्या आ जाएगा -3/2 यानी कि y की वैल्यू माइनस में 1.5। तो मतलब कि x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू माइनस में 3/2। ये दो वैल्यूज आ, ये तीन वैल्यूज आ गए, इन तीन वैल्यूज से ही हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। सो ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो ध्यान देंगे भाई, ध्यान से वैल्यूज डालनी है इसमें x y जो भी है आपका x y z मतलब ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सर हां जी सर, जरा लेट करने के लिए हमें दिया जा रहा है कुछ से नहीं, नहीं अपनी मर्जी से जो मर्जी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। तो पहला वाला जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 0.3। तो 0.3 भाई x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 कहां है, यहां है, ये हो गया। दूसरा है 1.3/2, 3/2 को 1.5 भी बोल सकते हैं, यानी 1.1.5 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1.5, मतलब यहां पे हो जाएगा। दूसरा हो गया भाई x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1.5, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू माइनस में 1.5, तो मतलब ये हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, मिलाने के बाद आप देखोगे कि भाई तीनों के तीन ये जो पॉइंट है ना एक लाइन पे आ गया बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन, यही इसका क्या हो गया ग्राफ। तो याद रखना लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है। और भाई इस पर इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे 3x + 2y = 6, ये 9th में आपने पढ़ा था, अभी 10th में क्या पढ़ेंगे वो भी बताता हूँ। इससे पहले एक नंबर को आप अपने आप ही प्लॉट करो सर। हाँ सर, -3/2 ये -3/2 यहाँ आया ना, ये -3/2 1.5 होगा ना y की वैल्यू, तो ये यहाँ आ गया माइनस, मतलब 1 और 2 के बीच में माइनस साइड में, y की वैल्यू माइनस नीचे में, x की वैल्यू माइनस लेफ्ट साइड में। भाई इक्वेशन है x माइनस में y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है, इसको आप फ्लोट करके दिखाओ, इसको छाप लो पहले, फिर इसको ग्राफ पे फ्लोट करो। इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 4, तो लेट x बी का 0, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 माइनस y इक्वल टू 4, तो यानी माइनस y इक्वल टू 4, ये माइनस उधर चला जाएगा, y की वैल्यू माइनस 4, x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू ले लेते हैं 1 या x की वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 4 या कुछ और, कोई हां बस 0 ले लो, x की 0 ले तो लिया भाई, अबे ओ ये तो y की 0 ले लेंगे, तो 2 ले लिया, तो 2 माइनस में y इक्वल टू 4 माइनस y इक्वल टू 4 माइनस में 2 यानी कि 2। अब ये माइनस y जो है माइनस उधर चला जाएगा, तो यानी कि माइनस का 2, वाई 2 के माइनस का 2 आज का भी टेंशन चल रहा है, अभी अभी क्लास में जितना भी आएगा तो ये नेक्स्ट है वाई की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स माइनस में 0 = 4 यानी कि एक्स की वैल्यू 4, तो वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 4, इन्हीं वैल्यू से हम बस प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो भाई x की वैल्यू 0 का -4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4 यहां आ जाएगा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू भी 2, दोनों की वैल्यू 2 भाई यहां आ गया, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो भाई वैल्यू ये तो गड़बड़ हो गया,
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। यहाँ आ रहा है, अब कुछ गड़बड़ है भाई, इस वाले को दोबारा चेक करता हूँ। अच्छा ये माइनस 2 है भाई, ये माइनस 2 है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 2। हाँ तो x की वैल्यू 2 ये और y की वैल्यू माइनस 2 ये। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा टू पे दो इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं एक ही ग्राफ पे। अभी कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो करना है। होमवर्क में आपको ये चार इक्वेशन करके लाना है भाई, x माइनस में y इज इक्वल टू 2x माइनस में y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में 2y या फिर 4y है, 3x प्लस में 2y है, 5 ये है। चैप्टर इसको